स्टूडेंट्स डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? नो. ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. फर्दर वी शुड मूव. यस, सो नाउ कम्स टू दिस मैरिट्स ऑफ टेब्यूलर प्रेजेंटेशन, पेज नंबर 114. टेबुलर रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब हम डेटा को, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा, उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दैट इट शुड बी इजीली अंडरस्टेबल टू द वन हु इज रीडिंग दैट डेटा, हु इज स्टडिंग दैट डेटा, इज कंसीडर्ड एज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो रीडर है, जो भी आपके डेटा को स्टडी कर रहे हैं, वो इजिली उसको समझ पाए, इजिली वो अंडरस्टैंड हो सके, और सिंपल और ब्रीफ भी हो, राइट? तो अगर हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं अपने डेटा की, उसके क्या क्या मैरिट्स होते हैं? मैरिट्स हियर स्टैंड फॉर द एडवांटेजेस, राइट? सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन? द वेरी फर्स्ट पॉइंट गिवन अवे हियर इज सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन. सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप जो भी टेबल बनाओगे, वो टेबल आपकी स्टडी को और सिंपल और ब्रीफ कर देगा. एक टेबल अपने आप में बहुत शॉर्ट भी होता है, और उसी शॉर्ट टेबल में हम पूरा डेटा भी शो कर देते हैं. जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लिकेटेड वे से लिखा गया था कि इतने स्टूडेंट्स 11th के हैं, इतने स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, उसमें भी इतने स्टूडेंट रूरल एरिया के, इतने अर्बन एरिया के, आफ्टर दैट और फिर उनका जो इतने स्टूडेंट्स मेल है, इतने स्टूडेंट फीमेल है. अगर ऐसे मैं डेटा बता रही हूँ तो वो इजिली समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन जब इसी डेटा को मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में बनाकर देती हूँ तो वो इजिली समझ में आ जाता है. तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन का सबसे पहला बेनिफिट यही है स्टूडेंट्स, ये इजिली अंडरस्टूड होता है, ठीक है? तो सिंपल भी होता है और ब्रीफ भी होता है. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कंपैरिजन. अगर आपको कंपैरिजन करना है तो टेबल के थ्रू इजिली कंपैरिजन हो सकता है. वेयर एज अगर आप वैसे नॉर्मली पैराग्राफ में डेटा लिखोगे, उसके थ्रू कंपैरिजन करोगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी. लेकिन मैं एक टेबल के फॉर्म में लिखूं 89%, 79%, 69%, 69% एंड सो ऑन व्हाटसोएवर, तो वहां पर आपका कंपैरिजन जो होगा वो बहुत इजी हो जाएगा. यू कैन इजीली कंपेयर द डेटा विद अनदर वन विद द हेल्प ऑफ द टेबुलर प्रेजेंटेशन. इजी एनालिसिस, कोई भी चीज आपको स्टडी कर रहा है, अगर फिगर्स में होती है, टेबल्स में होती है, तो वो इजिली एनालाइज हो जाती है. वेयर एज अगर वो पैराग्राफ में होती है या सेंटेंसेस में होती है, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और कभी कभी हम उसमें से उसको इजिली समझ नहीं पाते हैं. तो इजिली टेबुलर प्रेजेंटेशन हमें हेल्प करता है डेटा को इजिली एनालाइज करने में. नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. मैंने आपको कल फॉर्मेट बताया था, उसमें मैंने बताया था फुट नोट्स लिखते हैं हम, और सोर्सेज लिखते हैं कहाँ से डेटा आया, ठीक है, और कैप्शन लिखते हैं, स्टब्स लिखते हैं. तो कैप्शन और स्टब वो हाइलाइटेड पॉइंट्स में लिखे जाते हैं. तो इसका मतलब हम इस डेटा को ज्यादा शो करना चाह रहे हैं, और जो नॉर्मल डेटा उसको कम शो करना चाह रहे हैं. आप कॉपी में आंसर लिखते हैं तो कुछ कुछ हेडिंग्स आप ब्लैक पेन से, हेडिंग्स जो होते हैं वो ब्लैक पेन से लिखते हो, और जो नॉर्मल वो होता है उसको ब्लू पेन से लिखते हो. क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स शो होते हैं. ऐसा ही टेबल में होता है. जब हम टेबल, अब आप सेंटेंस लिख रहे हो तो कभी ब्लू कभी ब्लैक, कभी ब्लू कभी ब्लैक, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लिखने में. लेकिन टेबल में अगर आपके कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स है, उनको आप ब्लैक से लिख देते हो या उनको आप बोल्ड में लिख देते हो, तो वो इजीली समझ में आ जाता है रीडर को कि दीज आर दी हाइलाइटेड पॉइंट्स, और दिस शुड बी, मतलब दिस शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट. तो इस तरीके से अगर हम टेबल बनाते हैं तो टेबल डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट कर देता है. इकोनॉमिकल, टेबुलर प्रेजेंटेशन करना कोई बहुत कॉस्टली काम नहीं है. क्यों? क्योंकि इसको आप बहुत इजी वे से बिना किसी एक्सपर्टीज के कर सकते हो. टेबल बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन या बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो जैसे हमने कल टेबल बनाया था, दैट वाज वेरी इजी टू क्रिएट अ टेबल. तो इस तरीके से टेबल के, टेबल बनाने के बहुत सारे मैरिट्स हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट मैरिट में? नो वन. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन मिसलेनियस एग्जांपल. आई एम मतलब फेसिंग द कैमरा टुवर्ड्स द बुक, तो आप देखिए इस तरीके से एग्जांपल गिवन है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन. Yes. So this is the illustration one on the, in the book, page number 114. Question number one is prepare a blank table to show the percentage of rural and urban population in India in 1981, 91, 2001 and 2011.
10 इयर्स के डिफरेंस पे आपको एक डेटा क्रिएट करना है जिसमें आपको पॉपुलेशन बतानी है कि रूरल एरिया की कितनी थी, अर्बन एरिया की कितनी थी और टोटल, मतलब हमने ईयर लिया 1981, तो 81 में रूरल एरिया की कितनी पॉपुलेशन थी, अर्बन एरिया की कितनी पॉपुलेशन थी और टोटल कितना था। देन 10 इयर्स बाद 91 का डेटा हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, 91 में रूरल अर्बन टोटल, 2001 में रूरल अर्बन टोटल। अब यहाँ पर ये देखो जो मेरिट्स मैंने आपको बताए थे, ये सारी मेरिट्स हमें इस टेबल में देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला मेरिट सिंपल एंड ब्रीफ आपको दिख रहा होगा, दिस इज वेरी सिंपल प्रेजेंटेशन, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। फैसिलिटेट कंपैरिजन, इजीली कंपेयर कर सकते हो 81 का डेटा 91 से, 91 का 2001 से, 2001 का 2011 से एंड सो ऑन, किसी का भी किसी से डेटा आप कंपेयर कर सकते हो। इजी एनालिसिस, आप इजीली एनालाइज कर पा रहे हो यहाँ पर पूरे डेटा को कि पूरे 10-10 साल के डिफरेंस पे कितनी पॉपुलेशन कहाँ की रही। हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही है कि ये रूरल एरिया है ये अर्बन एरिया, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा कि इतने अर्बन में है इतने रूरल में है। इकोनॉमिकल, इस टेबल को बनाने में आपको कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं आने वाला, तो दिस टेबल मेकिंग दिस टेबल इज सो इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा इसमें आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता है, ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा टेबल बनाने में, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, कोई ऐसा बहुत ज्यादा मनी का भी एक्सपेंसेस नहीं है, तो इस तरीके से आपको टेबल को प्रेजेंट करना होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को यहाँ पे इस टेबल में कुछ पूछना है कि कैसे ये टेबल बना? अनुष्का, यस बेटा, लेट मी अनम्यूट यू। यस मैम, इज इट कंपलसरी टू राइट टोटल इन एवरी टेबल? यस बेटा, इट इज कंपलसरी टू राइट टोटल, क्योंकि टोटल के बिना एक पूरा कैलकुलेशन नहीं होता है। अभी हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी कि ये ब्रीफ प्रेजेंटेशन है, ब्रीफ का मतलब होता है डेप्थ प्रेजेंटेशन। तो अब इफ इन केस मैंने आपको बताया आपको डेटा टेबल में ऐसे लिखना है कि वो सबको समझ में आना चाहिए। अब हो सकता है 10 रीडर्स हो, किसी को रूरल और अर्बन डेटा देखने की जरूरत हो, किसी को केवल टोटल डेटा चाहिए हो, मुझे ये जानना ही नहीं है कि रूरल में कितने थे अर्बन में कितने थे, मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि 1981 में कितनी पॉपुलेशन थी, 91 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी थी। अब आपने टोटल नहीं किया तो यहाँ मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, मुझे रूरल और अर्बन का टोटल करके खुद अपने आप एनालाइज करना पड़ेगा, और हमें टेबल ऐसे बनानी है कि एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए जो भी रीडर है उसको। तो आप वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चलोगे जिससे कि रीडर को करनी दे, ठीक है, इसीलिए हमें टोटल लिखना मैंडेटरी होता है। आप चाहो तो टोटल यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो टोटल यहाँ पर भी लिख सकते हो कि रूरल रूरल का इधर टोटल कितना रहा, कभी कभी यहाँ पर भी टोटल्स लिखे जाते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितना ब्रीफ स्टडी कर रहे हो, राइट? इज इट क्लियर अनुष्का? होल्ड ऑन, लेट मी टेक द अटेंडेंस प्लीज। अमित कुशवाहा, ये बेटा आपने ऑडियो ऑन नहीं किया हुआ है, माधव, आई विल टेल द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स राइट नाउ, वट एवर आई एम टीचिंग यू इट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ SA1 इज राइट, तो इट बेसिकली डिपेंड्स कि कब SA1 होता है, तो उसके बाद ही मैं आपको जज करके बता पाऊंगी कि कितना सिलेबस उसमें आएगा, राइट? भावेश, यू आर टू लेट टुडे, आई विल नॉट अलाउ यू फ्रॉम टुमारो इफ यू विल बी लेट, राइट? इट्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लेट डिले। यस, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर एग्जांपल। दिस इलस्ट्रेशन इज Point out the mistake in the following table and rearrange it in the form of a good table. यहाँ पर एक table का format given है students, right? I hope my screen is visible to you. Here the format of a table is given. अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस table में क्या mistakes हैं और उसको हम किस तरीके से correct form में लिख सकते हैं. तो who can answer me कि इस table में क्या mistake है? What is the mistake in this table? सिर्फ इस table को देखिए और format बताए, format पे बताइए मुझे कि कहाँ गलत है ये। माधव, यस यस बेटा प्लीज। माधव, एम आई ऑडिबल? यस बेटा। मैम, देयर इज नो हेड नोट, देयर इज नो हेड नोट, वेरी गुड। और
नो हेड नोट नो टाइटल फॉर्मेट इज ऑल्सो रॉन्ग है ना फॉर्मेट ये जो गिवन है लेस देन 20 22 30 32 40 दिस शुड बी हियर और यह हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स जब भी हम टेबल बनाते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इस साइड शो होती हैं और जो डेटा होता है वो इस साइड शो होता है हमने इस टेबल में भी लिखा था तो नंबर्स कहाँ शो किए थे इधर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी डेटा की रूरल और अर्बन वो इस साइड शो करी थी लेकिन इस टेबल में क्या मिस्टेक है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल फीमेल और लिटरेट ये तो इस साइड शो कर दिया और जो जो मेन क्वांटिटेटिव डेटा है उसको यहाँ शो कर दिया दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट दिस इज द राइट फॉर्मेट यहाँ हमने क्या चेंज किया है लेस देन 20 22 30 32 40 40 एंड अबव इसको पहले इस साइड पे हम लेंगे राइट मोर ओवर यहाँ पर केवल लिटरेसी रेट लिया व्हाट अबाउट द इलिटरेट हमें दोनों लेना होता है ना जब हम यहाँ रूरल ले रहे थे तो अर्बन भी तो ले रहे थे इसी तरीके से जब हम यहाँ पर मैंने अभी बताया द टेबल शुड बी ब्रीफ राइट ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल तो आपको यहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से लिटरेट एंड इलिटरेट दोनों पार्ट में डिवाइड करना है फिर मेल एंड फीमेल इसके सब पार्ट हो जाएंगे नाउ हु कैन आंसर मी दैट व्हाट टाइप ऑफ टेबल इज दिस मैंने कल आपको टाइप्स ऑफ टेबल पढ़ाया था कि कौन से टाइप की टेबल होगी स्टूडेंट्स यू कैन टाइप अ मैसेज एंड सेंड इट टू मी बताइए जल्दी से कौन से टाइप की टेबल है आंसर बेटा वन वे टू वे थ्री वे व्हिच टाइप ऑफ टेबल इज दिस Come on, yes. Anushka, double, beta. Ashish is right. This is not manifold table. Manifold, beta. जब इसके भी सब parts हो जाते हैं, तो ये manifold हो जाती है. This is double table, right? क्योंकि हम literate और literate में male और female हमने लिया. फिर इसको और अगर हम ले लेते, तो this would be the manifold. Yes, Ritika is also right. Two way table. Fine. तो अब इसमें mistakes हम किस तरीके से identify करेंगे? There is no table number. सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर टेबल नंबर गिवन नहीं है जो कि हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल नंबर शुड बी देयर द टेबल इज विदाउट एनी हेड नोट यहाँ पर कोई हेड नोट गिवन नहीं है कि ये डेटा हम क्या शो कर रहे हैं देयर शुड बी द हेड नोट अब ये जैसे यहाँ पर इन्होंने इसका हेड नोट दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हम क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कर रहे हैं कैप्शन एंड सब एंट्रीज हैव नॉट बीन प्रॉपरली नोटेड जो कैप्शन और सब एंट्री होती है ये कैप्शन और सब एंट्री थी ये यहाँ पर गिवन ही नहीं थी यहाँ सिंपल मेल फीमेल लिख दिया था ये कैप्शन और सब कैप्शन है सब हेडिंग्स की तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल ऑफ रोज एंड कॉलम हैज नॉट बीन इंडिकेटेड जैसा जस्ट अभी अनुष्का ने क्वेश्चन किया था कि टोटल ना लिखे तो चलेगा ना जैसे मैंने बताया कि टोटल लिखना है इज मैंडेटरी यहाँ पर कहीं टोटल का ऑप्शन नहीं गिवन है यहाँ पर देखो मेल भी लिया फीमेल भी लिया एंड टोटल का ऑप्शन भी लिया तो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द टेबल राइट किसी को भी यहाँ पे कुछ पूछना है इलस्ट्रेशन टू तक नो वन ओके नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन जस्ट डू दैट यस क्वेश्चन नंबर थ्री फॉलोइंग Information relates to the export from India to USSR and UK in the year 2016, 17, 18 and 19. Hypothetical figures. Prepare it in the form of table. यहाँ पर आपको years given है और India ने export कितना किया USSR को और UK को वो पूरा crores में given है. Proper format को follow करते हुए आप जल्दी से मुझे copy में अपनी एक table इसको बना के दिखाइए ताकि मैं इसको फिर judge कर पाऊँ कि आपको easily clear हुआ है या नहीं हुआ है. And this time I want the answer from telling you पहले से ही कि आपको किस किस को आंसर देना है I want the answer from Anjali, Karan, Ayush Agarwal, Sampradha, you four. बाकी भी सबको करना है लेकिन I want the answer from you four. Just prepare the table fast. I'm giving you 3 to 4 minutes. जल्दी से prepare कीजिए table. And show it to me. Question number three, do it fast.
बेटा इफ द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर यू कैन सी इट ऑन द बुक पेज नंबर 122. Who has done the question? Diya. Okay, let me see it. Diya, अभी ये complete नहीं है बेटा. अभी इसमें table number नहीं given, ऊपर table का title given नहीं है. आपने ये लिखा है ना rupees करोड़, ये तो ठीक है बिल्कुल. This is absolutely correct. ये written होना, ये होना जरूरी है इसमें. लेकिन ऊपर table number और title और लिखो. टोटल गिवन नहीं है, अभी मैंने बताया टोटल शुड बी देयर. Who has done the question? Show me. Fast, beta. Itna bada kuch nahi hai question mein. This is very easy and very short question. Yes, Ishita. Yes, Ishita has done the question. Table number, Ishita, आपने भी नहीं लिखा ऊपर. अपने आप hypothetical figure लिख सकते हो, table number one या table number two, whatever you want, right? Camera face करो बेटा copy की side. Table number one, export from India to UK, USSR and UK, right? Year. Export to USSR, export to UK, total. Very good. यहाँ पे बस एक चीज मिसिंग है कि डेटा करोड़ में ये आपने कहीं मेंशन अच्छा किया है. ठीक है ठीक है. Export to USSR ऊपर आपने कर दिया करोड़. Very very good बेटा. Perfect. Very good. Anyone else? Diya, Aditi, Dhruv, Karan, Purnima. Yes. Purnima, you have a doubt or you want to show me? Okay. Let me see. Anushka. परफेक्ट बेटा, गुड. उस साइड और टोटल लिखना है ईयर वाइज, वो भी क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा. ठीक है अनुष्का, सेकेंड साइड में भी आप लिखेंगे टोटल. नेक्स्ट किसने दिखाया मुझे? अंजलि. यस, गुड अंजलि. आप चाहो तो इसमें लास्ट में भी टोटल लिख सकते हो, बट इट इज ओके. चलो लास्ट में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. अनदर वन पूर्णिमा. बेटा फिगर्स मेंशन नहीं किया आपने अंदर, बाकी फॉर्मेट ठीक है आपका. दिया, परफेक्ट. टोटल इस साइड से और करेंगे बेटा ईयर वाला, है ना. आयुष, श्रीजन, डन. वेरी गुड. हाँ टोटल एक्सपर्ट बेटा. टेबल का हेडिंग नहीं है श्री आपके में, टेबल का हेडिंग लिखोगे कि दिस इज द टेबल शोइंग, ऐसे करके लिख देना प्रेजेंटेशन ऑफ इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू यूएसएसआर एंड यूके, राइट.
एंड आयुष, आयुष का ठीक है, टोटल आयुष नीचे किया है, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में भी कर लेना। आदिति डन, संप्रदा शो मी द कॉपी, यस बेटा इस साइड से और टोटल करेंगे, परफेक्ट, बाकी ठीक है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, एटलीस्ट आई थिंक यू आर मतलब लाइक इट दिस टॉपिक इज टोटली अंडरस्टूड टू यू। कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ लीजिए मुझसे, अदरवाइज मैं सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव कर रही हूं। No doubt, students. Okay, now comes to the illustration number 3. In a sample study above, the coffee habits in two towns following data were observed. आपको यहाँ पर जो data given है, वो उन लोगों का given है जिनको coffee habits है, मतलब coffee addicted है, coffee लेने की आदत है। दो अलग अलग town का data given है, town X, town Y. तो town X में क्या data given है? 52% were males, 25% were drinkers. And 16% were male coffee drinkers, right? Town Y का given है 55% person were male, 28% were coffee drinkers, 18% were male coffee drinkers. अब इस डेटा को आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन करना है, तो आप देखिए आप इस डेटा को कैसे प्रेजेंट। टेबल नंबर लिखा, जैसे अभी आपने लिखा था, हेडिंग दिया परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर इन टाउन एक्स एंड टाउन वाई। एट्रीब्यूट क्या है? दो तरीके के एट्रीब्यूट है, क्योंकि यहाँ हमें जो शो करना है वो कॉफी हैबिट्स शो करनी है, तो हम इसके एट्रीब्यूट दो लेंगे, फर्स्ट कॉफी ड्रिंकर एंड सेकंड नॉन कॉफी ड्रिंकर, राइट। अब टाउन एक्स में हम मेल्स लेंगे, फीमेल्स लेंगे, टोटल लेंगे, टाउन एक्स मेल फीमेल एंड टोटल। अब यहाँ पर आप किस तरीके से, क्योंकि ये डेटा जो है ये परसेंटेज में गिवन है, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप परसेंटेज में लिख सकते हैं तो परसेंटेज में लिख दीजिए, अदरवाइज आप इसको टोटल में भी कैलकुलेट करके मेंशन कर सकते हैं। टोटल में कैसे मेंशन करेंगे? यहाँ पर 52% पर्सन जो है ये किसमें है? मेल्स है, तो मेल्स का परसेंटेज कितना होगा? 52। ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मेल्स का जो डेटा है दैट इज 52%, पूरी पॉपुलेशन कितनी होती है 100%, बट ऑब्वियस है 100% में से 52% मेल है, तो बचे हुए कौन होंगे? फीमेल। तो ये बचे हुए कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 52 करेंगे तो आप यू विल गेट 48। तो 52 तो मेल्स हो गए एंड 48 फीमेल्स हो गए, टोटल हमें सीधे सीधे पता चल गया यहाँ पर, राइट। और यहाँ का भी टोटल हमें पता है 55% जो है दे वर मेल, तो बचे हुए 45% कौन हो गए? फीमेल्स। तो यहाँ का भी टोटल हमें इजीली पता चल गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, तो इसका परसेंटेज आपको गिवन है 25% कॉफी ड्रिंकर्स है, 16% इसमें से मेल कॉफी ड्रिंकर्स है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 16% मेल ड्रिंकर्स और ये क्या कहते हैं, तो टोटल 25% हो गए। अब फीमेल्स जो बची वो 9 बच गए, 16 + 9 इज इक्वल टू आपका ये कितना हो गया 25, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट आए इस क्वेश्चन को समझने में तो यू कैन आस्क। टोटल इनका 100 ही आना चाहिए क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपको बस डेटा को यहाँ पर प्रेजेंट करते चल जाना, जो डायरेक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन है बस एज इट इज आप उसको लेकर चलते जाओगे, राइट। नाउ इन होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू इज क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग टिक कर लीजिए कॉपी में, आप कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे इन बुक। क्वेश्चन नंबर 1, दोज हु डोंट हैव द बुक टिल नाउ वो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और करके रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था बट स्टिल उसको मेन कॉपी में आप क्लास बुक कॉपी में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू कंप्लीट, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको टेबल्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने कवर अप कर लिया है तो इसको भी आप इसको फेयर कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर इन्होंने वही बोला जो अभी हमने क्वेश्चन किया था एक एग्जांपल में, पॉइंट आउट द मिस्टेक इन द टेबल। तो टेबल में मिस्टेक्स क्या क्या हैं? टेबल नंबर गिवन नहीं है, हेडिंग गिवन नहीं है, सब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यहाँ आने चाहिए, सब्जेक्ट्स यहाँ आने चाहिए, तो वो आप ओवरलैप करोगे। टोटल गिवन नहीं है, टोटल लोगे, हाइपोथेटिकल फिगर्स लगाकर इसको टोटल कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस डेटा को शो करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप प्रैक्टिकल में कवर करके रखोगे एंड थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चन आपको कवर करनी है शॉर्ट आंसर में। फर्स्ट इज मेक अ फॉर्मेट ऑफ अ टेबल,
इसमें आपने नोट्स शायद प्रिपेयर कर लिए होंगे ना. यस माधव, यस माधव बेटा, मैं ऑडिबल. हाँ जी बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. माधव कैन यू प्लीज सेंड मी अ मैसेज, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी. राइट स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप कहाँ तक नोट्स बनाएंगे, और ये पूरा हमने गाइडलाइंस तक ले लिया था. अब आपने बेटा, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, थोड़ा थोड़ा कट के आ रहा है, या तो थोड़ा नेटवर्क एरिया में चाहिए. यू कैन टाइप अ मैसेज एंड सेंड इट टू मी. यस माधव, अनम्यूट कीजिए और बोलिए बेटा. मैम. यस यस बेटा. Can you once again the essential practicals? Essential? Essential practicals first question. Essential practical question number one. Yes, ma'am. Okay, I have to explain it. No, ma'am. I want to see. You want to see? Okay, you can take a screenshot of this question. Yeah, 1 minute. You just have to compare the data. There is nothing else. This is a very easy question. You can easily do it. Still, if you have any doubt, you can ask me tomorrow. No, ma'am, I don't. You do it, sir. Okay, fine. Yes. Students, last class में मैंने आपको जो notes बनाने को बोला था, उसमें हमने guidelines तक cover कर लिया था. Now, what you have to do is you have to mention this kinds of table, the full table, and explain this table as well. आप इसको 2-2 sentences में पूरी table explain करेंगे, जैसे मैंने आपको कल explain किया था that what is general purpose table, special purpose table, original, derived and simple में one way table and complex table. ये सारे parts आप divide इसको explain करेंगे. After that classification में आप 4 names mention कर देंगे, right? Merits में ये 5 points given है, केवल points आपको mention करने हैं, इसको आपको proper describe नहीं करना है. Illustrations आपको copy में नहीं करना है. I'm repeating it again. You don't have to do these illustrations in a copy. Just do all the essential questions which is given in the book. जो questions मैंने आपको अभी 4 questions दिए हैं numerical, that you have to do in the copy. Theory का आप notes बनाएंगे, और practical के जो book में पीछे questions हैं, essential practical questions, वो आपको cover करने हैं. करने 7 पूरे हैं. अभी आज के लिए जो होमवर्क है आपका, वो 4 क्वेश्चंस तक है. आफ्टर दैट फिर वो कल हम इसके 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे. यस रितिका बेटा. यस रितिका मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जो आपने ना मतलब डेफिनेशंस लिखवाई है, उसके ना एग्जांपल्स भी लिखना है ना टेबल. कौन सी वाली डेफिनेशन में पूछ रहे हो बेटा? मैम जो अभी आपने बताई थी, और व्हिच वन मैम, जो आपने चार्ट बताया था उसका जो डेफिनेशन. डेफिनेशन नहीं बेटा, बस उसको आप 2-2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दीजिए, छोटा छोटा सा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे आपको सपोज जनरल पर्पस टेबल एक्सप्लेन करनी है, तो बस आप इसमें क्या लिखोगे कि जनरल पर्पस टेबल इज अ टेबल व्हिच does not serve any specific purpose or special problem. That's it. बस इतनी लाइन आपको इसमें लिखनी है. अब इतने आप मैच्योर हो गए हो कि इसमें से वो जो अच्छे पॉइंट्स है सिर्फ उसको निकाल के कॉपी में मेंशन करेंगे. सिंपल इतना लिखा, जनरल पर्पस टेबल इज अ टेबल व्हिच does not serve any specific purpose or a problem. इसमें लिखोगे स्पेशल पर्पस टेबल इज अ टेबल व्हिच इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस. ओरिजिनल टेबल में लिखोगे द टेबल व्हिच इज प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल. The table in which we convert the data into ratio and percentage is called derived table.
वन वे टेबल पे आप लिख दोगे व्हेन देयर इज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज वन वे टेबल, व्हेन देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लेक्स में ये तीन पार्ट है इनके आप बस नेम मेंशन करोगे. नहीं नहीं टेबल्स मत बनाना, इतने एग्जांपल्स मत कोट करना, ठीक है राइट. वन मोर डेफिनेशन आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स, ये देयर इज अ क्वेश्चन दैट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेबुलेशन एंड टेबल. कैन एनीवन आंसर मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेबुलेशन एंड टेबल. ओके लेट मी टेल यू, देखो स्टूडेंट्स देयर आर टू वर्ड्स टेबल एंड टेबुलेशन. टेबुलेशन वर्ड हमेशा प्रोसीजर के लिए यूज होगा राइट, इट इज गिवन ओवर हियर. टेबुलेशन रेफर्स टू द मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. जब हम डेटा को रोज एंड कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कन्वर्ट करने का, दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ टेबुलेशन. एंड द फॉर्म जो क्रिएट होगी उस टेबुलेशन की वजह से उसको हम टेबल बोलेंगे. जैसे दिस इज द थिंग, तो ये टेबल है, ये टेबुलेशन नहीं है, लेकिन इसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए हमने पूरा प्रोसेस किया, टेबल नंबर और ये सब चीजें नहीं की, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द टेबुलेशन. सो सिंपल डिफरेंस इज दिस दैट टेबुलेशन इज अ प्रोसेस वेयर एज टेबल इज अ फॉर्म. वो प्रोसेस होता है टेबुलेशन और टेबल एक फॉर्म होती है राइट. स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है आपको? किसी को भी कुछ डाउट या कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क. यस इशिता we are over with the topic, aap apne doubts clear kar sakte ho, we have 2 minutes left. ma'am is become hello ma'am aapne organization of data mein 25 questions karne ke liye kaha tha. haan ji but ma'am isme to only 11 hai. acha isme 11 questions given hai. okay yeah I can provide you the questions, hold on iske piche given hai questions, wait ओके. यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ इंटरनेट, आप इंटरनेट से कोई नए क्वेश्चंस निकाल के कर सकते हो या फिर उसमें आप इलस्ट्रेशन की भी हेल्प ले सकते हो, इलस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो. बट आई वांट एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस. ओके एसेंशियल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो सारे ही होने चाहिए, उसके बाद जो रह जाता है स्पेस उसके लिए फिर आप एग्जांपल्स को यूज कर लो. और कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए थे वो आप कवर करोगे. माधव यू आर आस्किंग दैट मैंने कितने चैप्टर करा दिए इकोनॉमिक्स में. बेटा मैं आपको बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स में दो सब्जेक्ट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज योर न्यू स्टूडेंट्स दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू अगेन. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई हैव कंप्लीटेड 5 चैप्टर्स बट आउट ऑफ दैट वन चैप्टर इज बीइंग रिमूव्ड बाय द सीबीएसई नाउ, तो वो आपको नहीं कवर करना है, बाकी 4 चैप्टर्स आपको उस पे कवर करने हैं. एंड इन स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड, दिस इज द 4th चैप्टर विच वी आर डूइंग राइट नाउ. Right? So, इस तरीके से 4 चैप्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 4 इन दिस स्टैटिस्टिक्स. गॉट इट? करण फॉर कॉपी वर्क यू जस्ट हैव टू और मेंटेन द कॉपी अलोंग विद यू. जैसे ही स्कूल ओपन होंगे आई डू द कंडीशन, डोंट यू वरी. ठीक है, बाकी अभी आपकी जो प्रेजेंस है क्लास में दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द वे यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, द वे यू आर अटेंडिंग द क्लास, दैट इज वॉट आई एम ऑब्जर्विंग राइट. Yes, Tanish, you just have to write the name. You just have to write the heading of the marriage, nothing else, right? Okay, students, so I guess the doubts are clear. So I think I should end the class now. Have a good day, students. And one more thing, do complete the registration process before Monday, right? It is mandatory for all of you. Okay, students, have a good day.